मुंबई और थाने के बीच में समुद्र के नीचे से सुरंग निकलेगी। ये जो रेलवे है ये मुंबई स्टेशन से लेकर अहमदाबाद और साबरमती जाएगी और बीच में थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिल्लीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा और आनंद नदियत में भी रुकेगी। जो ये नया साबरमती स्टेशन है उससे ये आशा की जाती है कि उस क्षेत्र में विकास और आर्थिक गतिविधियां को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि हमारे बीच के सहयोग का प्रतीक है और भारत और जापान मिलकर के इस प्रोजेक्ट को साकार करेंगे। अब मैं शुरू करना चाहूंगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के जो दूसरा चरण है उसमें ही उसी के मामले में 6 ऐसे ओडीए ऋण के दस्तावेज हैं जिनका आदान प्रदान होगा और जो ये आदान प्रदान करेंगे जापान की तरफ से भारत के जापान के राजदूत श्री हिरामात्सु जी और भारत की तरफ से भारत के राजदूत श्री चिनोय जी करेंगे। धन्यवाद। अगला मैं आमंत्रण दूंगा जापान भारत डिजिटल पार्टनरशिप के मामले में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन की और ये जापान की तरफ से मेटी के मंत्री श्री सेको और भारत की तरफ से श्री चिनोय जी करेंगे। अगला स्वास्थ्य के मामले में एक मेमोरेंडम है और जापान की तरफ से जापान के राजदूत श्री हिरामात्सु जी और भारत की तरफ से भारत के राजदूत श्री चिनोय जी इसका आदान प्रदान करेंगे। खास करके ये स्वास्थ्य के मामले में खानागावा और भारत के बीच जो आयुष्मान मंत्रालय है उसमें एक उसके जो मामले में जो उसके संबंध में जो भी मेमोरेंडम और कोऑपरेशन के बात है वो आपके सामने जो दस्तावेज रखे हैं उसमें लिखित है, आप उसे पढ़ लें। अगला फूड प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग का मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है, इसको आदान प्रदान करने वाले भारत की तरफ से श्री चिनोय और जापान की तरफ से श्री मात्सुशिमा हैं। श्री मात्सुशिमा कृषि वानिकी उपमंत्री हैं। धन्यवाद। अगला है समुद्री और समुद्री हमारी नौसेनाओं के बीच में सहयोग के बारे में और इसमें जापान की तरफ से श्री कावामुरा जो कि समुद्री सुरक्षित बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और भारत की तरफ से श्री चिनोय जी इसका आदान प्रदान करेंगे। श्री मुराकावा हैं। अगला है जापान की तरफ से स्वीकृति पत्र ISA में प्रवेश करने के लिए। ये जापान की तरफ से श्री हिरामात्सु आएंगे और वो इस स्वीकृति पत्र को जमा करेंगे। ありがとうございました।
बहुत बहुत धन्यवाद. आज कई सारे दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है. उसके अलावा जापानी कंपनियां करीब 57 ने भारत में निवेश करने का निर्णय लिया है. जेट्रो और इन्वेस्ट इंडिया ने इसको पूरा समर्थन देने का वादा किया है. ये इसके मामले में जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सब आपके सामने के दस्तावेजों में लिखे गए हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा. इससे ये समारोह यही समाप्त होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. अब अगला है, दोनों तरफ के देशों के बिजनेस लीडर्स ने बिजनेस लीडर फोरम में जो रिपोर्ट बनाई थी उसको वो पेश करेंगे. उसकी स्वीकृति दोनों ही प्रधानमंत्री को करने होगी. और जापान की तरफ से श्री नाकानिशी आएंगे और भारत की तरफ से श्री कल्याणी जी, आप प्रधानमंत्रियों के सामने आ जाएं. धन्यवाद. अब मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों प्रधानमंत्री प्रेस स्टेटमेंट दें. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आबे को बोलूंगा कि वो अपना स्टेटमेंट दें और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अपना स्टेटमेंट देंगे. मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जापान में हार्दिक स्वागत करता हूं. मैं शुरू से ही बोलता आया हूं कि जापान और भारत के संबंध विश्व के सबसे संभावनाओं से भरपूर द्विपक्षीय संबंध है. मजबूत भारत जापान के हित में है और मजबूत जापान भारत के हित में है. प्रधानमंत्री मोदी जी वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले, मजबूत निर्णय लेने वाले और उसका कार्यान्वयन करने वाले नेता हैं. उनके इस उत्कृष्ट नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं. कल मैंने प्रधानमंत्री मोदी का अपने यामानाशी के घर में स्वागत किया और पतझड़ के मौसम में रंग बदलती पत्तियों का आनंद लेते हुए हम दोनों ने साथ में रात्रि भोजन किया और जापान और भारत के संबंध, क्षेत्रीय अवस्था, विश्व के मुद्दों के बारे में चर्चा की. हाई स्पीड रेलवे मेरे और मोदी जी द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे जापान भारत का नया युग का प्रतीक है. मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष गुजरात में आयोजित की गई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद आज थोड़ी देर पहले हमने नए येन लोन की प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं. हाई स्पीड रेलवे के अलावा दिल्ली मेट्रो, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुल निर्माण इत्यादि कुल 7 ओडीए ऋण प्रदान पर अभी हमारी सहमति हुई है. जापान अपनी उच्च गुणवत्ता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के माध्यम से भारत के देश निर्माण में योगदान करेंगे. 7,500 करोड़ डॉलर के जापान भारत मुद्रा स्वैप पे भी हमने हस्ताक्षर करने पर सहमति की है. मुझे आशा है कि इस समझौते से भारत के वित्तीय नियमों में के नियम सरल बनेंगे और इन्हें बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के आर्थिक संबंध में और प्रगति होगी और वित्तीय बाजार को स्थिर करने में भी इसका योगदान होगा. मजबूत जापान भारत संबंध के क्रम को सहारा देने वाले नींव है. जापान भारत के नए युग का प्रतीक सुरक्षा सहयोग के तहत हम मंत्री स्तर 2+2 की पुनः स्थापित करेंगे. रक्षा के क्षेत्र में भूमि, समुद्र और आकाश में आदान प्रदान को मजबूत करेंगे. रक्षा सहयोग को और गहन करने के लिए हमने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट, जिसको हम ACSA बोलते हैं, इसके लिए अपनी बातचीत को आरंभ करने पर भी समर्थन किया है. समुद्री सुरक्षा, समुद्री स्थिति को समझने के लिए जापान की समुद्री स्वसुरक्षा बल और भारत के नौसेना के बीच सहयोग समझौता तैयार किया है. अंतरिक्ष और साइबर के क्षेत्र में भी सहयोग को गहन करेंगे. उसके लिए जापान भारत अंतरिक्ष संवाद को नवीनयुक्त स्थापित करेंगे. व्यापार के क्षेत्र में जापान और भारत एक दूसरे के पूरक हैं. जापान भारत डिजिटल पार्टनरशिप के अंतर्गत स्टार्टअप
और आईटी रिसोर्सेज के आदान प्रदान के माध्यम से हमें आशा है कि वैश्विक इनोवेशन यहाँ पर होगा. स्वास्थ्य देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री मोदी जी की बनाई गई आयुष्मान भारत और जापान की एशिया हेल्थ एंड वेलबींग इनिशिएटिव को जोड़कर अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे. कृषि के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी, फूड वैल्यू चेन के क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करेंगे. वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में पर्यटन, व्यापार, खेल आदि लोगों के आदान प्रदान का हम बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे. इसके लिए हमने तय किया है कि अगले वर्ष जनवरी से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की प्रक्रिया को सरल करेंगे. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में हम बांग्लादेश आदि में सहयोग की बात को आगे बढ़ा रहे हैं. जापान और भारत मिलकर क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि को आगे खींचेंगे. नॉर्थ कोरिया की स्थिति के मामले में कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने के लिए जापान और भारत सहयोग करने ने समर्थन किया है और अपहरण मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यक. これについては、また明日から何とか。私たちは、ベースティックの中で、一層進むために、その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 、
ありがとうございます。それでは続きまして、元市長からご発言をいただきます。よろしくお願いします。मेरे घनिष्ठ मित्रों श्रीमान आबे जी डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स फ्रेंड्स नमस्ते कन्नचिवा यहां टोक्यो में और इससे पहले यामानाशी में और अपने घर में जिस आत्मीयता के साथ आबे सान ने मेरा स्वागत किया उसने मेरी इस जापान यात्रा की सफलता को और भी अविस्मरणीय बना दिया। जापान पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का संगम है। यह वही महान देश है जिसने सिखाया है कि मानव जाति के विकास का रास्ता पुरातन और नूतन के बीच टकराव का नहीं बल्कि उनके सह अस्तित्व और सृजन का है, नए का स्वागत और पुराने का सम्मान। यह जापान की विश्व सभ्यता को प्रमुख देन है और साथ ही भारत और जापान की एक गहरी समानता भी है। एक्सलेंसीज, जापान और भारत के संबंधों को हिंद और प्रशांत महासागरों से गहराई और विस्तार प्राप्त है। ये संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के प्रति और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विजन कल और आज आबे सान के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विजन पर हमने हस्ताक्षर भी किए हैं। कल ये हमारे भविष्य को नई रोशनी देगा। हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को डिजिटल पार्टनरशिप से साइबर स्पेस तक, स्वास्थ्य से रक्षा सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपार गति देंगे। मुझे बताया
की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय करेंसी स्वाप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरंतर बढ़ती हुई नजदीकी साफ तौर पर झलकती है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप स्वरूप पर प्रश्न है। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबेसान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जापान का प्रवेश विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा। फ्रेंड्स, अगले वर्ष जापान ओसाका में G20 समिट की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष रग्बी वर्ल्ड कप भी जापान में आयोजित किया जाएगा। पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया में आयोजित होगा और फिर 2020 में ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक इवेंट्स के लिए मेरी ओर से और समस्त भारत की ओर से जापान को, जापान के नागरिकों को, खेल जगत के सब महानुभावों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। फ्रेंड्स, भारत जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काइजन फिलोसॉफी की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं एक बार फिर आबे सान को, जापान सरकार को और आप सबको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। दोमो अरिगातो गोजाइमस।